हेलो दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आपको एस्पैरागस फर्न की केयर के बारे में बताया था और उसकी रिपोर्टिंग के लिए भी। तो कल बहुत लंबा वीडियो हो गया था, तो मैंने आज ये दूसरा उसका वीडियो सेकंड पार्ट बना रही हूँ। तो इसमें देखिए, इसको रिपोर्ट कैसे निकाला था मैंने, क्या किया था, वो तो मैंने सब आपको बता दिया था। अब इसकी मैं मिट्टी तैयार कर रही हूँ, जो कि मिट्टी में मैंने 70% गार्डन सॉइल लिए और 10% उसमें रेता मिलाया है और 10% वर्मी कंपोस्ट, गाय के गोबर की खाद। और इसमें मैं, इस समय रेनी सीजन है तो हम कोई भी कटिंग लगाते हैं या रिपोर्टिंग करते हैं तो फंगीसाइड पाउडर ज़रूर मिक्स करते हैं उसमें, ठीक है। फंगीसाइड पाउडर, नीम खली और इप्सम सॉल्ट मैं थोड़ा थोड़ा आधा आधा चम्मच डालती हूँ। इप्सम सॉल्ट से प्लांट शॉक में नहीं जाता और जल्दी से कवर कर लेता है वो, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल है, मैंने इस तरह से ये भर के इसमें बास्केट में मिट्टी फिल कर दी थी। अब आधा फिल करने के बाद हम कोई भी पॉट लेंगे, उसके बाद उसमें प्लांट रख करके और ऊपर से मिट्टी को चारों तरफ से कवर कर देंगे। ये मैंने ऑनलाइन बास्केट मंगाई थी, जो कि सन में रखने से देखिए इसका कलर कितना ख़राब हो गया। तो मैं इसलिए इन बास्केट, जो ये दो तीन ही हैं, बाकी सब अच्छी हैं, केवल ये दो तीन बास्केट इनका कलर इतना बुरा हो चुका है कि देखने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन प्लास्टिक इनका मजबूत है। तो मैं इसमें ऐसे प्लांट लगाती हूँ जिससे कि ये पूरा कवर हो जाए, दिखे ना बास्केट। और जो कि फर्न जो है, ये एस्पैरागस फर्न बहुत अच्छे से बास्केट में चारों तरफ फैल जाता है, बहुत सुंदर लगता है, पूरा ग्रीन बास्केट लगती है। बास्केट आपकी प्लास्टिक की दिखेगी ही नहीं, इसमें चारों तरफ से एकदम ये कवर कर लेगा, ठीक है। तो ये मैंने एक पॉट से निकाला था, जिसमें कि मैंने अब तीन पॉट में ये लग जाएगा, डिवाइड हो गया, क्योंकि मेरे पास जगह भी नहीं है। मैं इसको चाहूँ तो मैं 5 या 6 में डिवाइड कर सकती थी प्लांट्स को, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी 2-3 लगे हुए हैं। और देखिए ये वाला येलो कलर में लगा हुआ है, कितना सुंदर लगता है ये हैंगिंग बास्केट में। और देखिए ये तो बॉटल में ही लगाया है मैंने, कितना सुंदर लग रहा है। और ये मतलब ज़्यादा डीप ना हो उस प्लांट, मतलब पॉट में भी बहुत अच्छे से चल जाते हैं। देखिए ये वाला है और ये भी बहुत छोटा पॉट है एकदम, इसमें देखिए पूरा पूरा कवर कर लेता है ये और बहुत ही सुंदर लगता है। आप इसको इंडोर रखिए थोड़े 2-4 दिन के लिए, फिर आप इसको बाहर रख दीजिए। तो मैं इसलिए काफ़ी सारे बना करके रखती हूँ क्योंकि मैं चेंज कर सकूँ, क्योंकि ज़्यादा दिन अंदर रखने से प्लांट ख़राब हो जाते हैं। और ये फुल सन लविंग प्लांट है, आप इसको आधे दिन की धूप में या ब्राइट सनलाइट में रखिए, ये बहुत अच्छे से चलता है। और इसमें किसी खाद वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये छोटे से छोटे पॉट में, और किस बड़े पॉट में लगाएंगे तो ये जल्दी पूरा भर जाएगा, ठीक है। बड़े पॉट में उस तरह से, अभी देखिए छोटा सा है ये, बच गया है, मैं इसको छोटे से पॉट में लगा दूंगी। और मुझसे किसी ने मांगा था ये प्लांट, तो मैं उसको देने के लिए छोटे पॉट में लगा दूंगी, क्योंकि ये ऐसा प्लांट है इसकी आप कटिंग एकदम से दे नहीं सकते, आप इसको पहले से ही आपको लगाना पड़ता है छोटे पॉट में देने के लिए, या कुछ करना डिवाइड करते हैं तभी आप इसको आप दे सकते हैं किसी को। तो मैं ये छोटे पॉट में इसलिए लगा रही हूँ ताकि मैं, मुझे मुझसे किसी ने मांगा था तो मैं उसको ये प्लांट दे सकूँ। और इसमें किसी भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, 4-6 महीने खूब अच्छे से चलता है। और देखिए ये इस वाले में मैंने ये डफन का प्लांट लगाया है ताकि मैं कभी इसमें जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो रिपोर्ट करने में मुझे प्रॉब्लम ना हो और इजीली मैं इसको रिपोर्ट कर पाऊँ। और वैसे भी ये इसमें बहुत 3-4 साल के लिए लग गया है। और ये जो एस्पैरागस फर्न है ये पूरे साल अच्छे से चलने वाला प्लांट है, इसका कोई डोरमेंसी में नहीं जाता, कुछ नहीं होता। जैसे कि बहुत ज़्यादा दिसंबर जनवरी में सर्दियां होती हैं, उसमें तो सभी प्लांट्स कुछ कुछ हो जाते हैं, लेकिन ये हमेशा ऐसी ग्रीनरी बनाए रहता है आपके गार्डन में और बहुत सुंदर लगता है। इसकी कोई केयर नहीं है, बस आप इसको कम पानी दीजिए और ब्राइट लाइट में रखिए या सनलाइट में, आप कैसे भी कंडीशन में रखेंगे ये अच्छे से चलता है। और ये वैसे तो अकॉर्डिंग टू आपके सिटी में किस तरह की नर्सरी, में कुछ महंगी देते हैं नर्सरी वाले प्लांट, ये कुछ महंगा देते हैं कुछ। हमारे यहाँ तो जैसे रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, सही रेट है, तो ये सस्ता मिल जाता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं मिलता, 50 रुपये तक के अंदर में मिल जाता है ये प्लांट। लेकिन कहीं कहीं पर ये बहुत महंगा भी मिलता है प्लांट, ईजिली मिलता भी नहीं है क्योंकि इसकी कटिंग ऐसे लगती नहीं है तो लोग ले नहीं पाते हैं। तो ये बहुत सुंदर प्लांट है, आप इसको अपने गार्डन में लगाइए और शोभा बढ़ाइए।